आयशा हाशिर का बहुत जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है और मोहम्मद ताहा का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इवन हमारे वेब पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इवन हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं इनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आयशा हाशिर आज हमारे हमें क्या बता रही हैं? आयशा हाशिर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आयशा हाशिर के वो हमारे शो पर आएँ, हमें ज्वाइन करें, हमारे बच्चे बच्चियों के साथ भी दो चार दिन स्पेंड करें। आयशा ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। आयशा हाशिर आज क्या लेकर आई हैं? हियर वी गो आयशा हाशिर। एक नौजवान बकरी की रस्सी पकड़े उसे ले जा रहा था। नौजवान जहाँ जाता बकरी भी वहाँ साथ साथ जाती। रास्ते में एक शख्स मिला जो ये मंजर देख रहा था। उसने नौजवान से कहा कि तुमने बकरी की रस्सी पकड़ी हुई है, इसीलिए बकरी तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। नौजवान ने उस शख्स की ये बात सुनकर फौरन रस्सी छोड़ दी और चलने लगा। बकरी अब भी नौजवान के पीछे चलती रही और इधर उधर नहीं भागी। ये देख कर वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि अब तो बकरी आज़ाद है, फिर भी उस नौजवान के पीछे क्यों चल रही है। तो हैरत से उसने नौजवान से पूछा कि ये क्या जादू है। नौजवान ने कहा, ये उस रस्सी से नहीं बंधी हुई जो तुम्हें नजर आ रही है, बल्कि ये तो एहसान और मोहब्बत और शफकत की रस्सी से बंधी हुई है। इसकी गर्दन में एहसान की रस्सी है। इस वाक्य से हमें पता चला कि एहसान और भलाई से हम दूसरों को अपना बना सकते हैं। हुस्न सलूक और अच्छे रवैये से दुश्मनों को भी दोस्त बनाया जा सकता है।